दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल होना शरीर में बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको दिल का रोगी बना सकता है, वहीं दूसरी ओर आपको इससे बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर LDL कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर लगातार बढ़ता रहता है तो ये LDL हमारी नसों में अंदर जमने लगता है, आर्टरीज के अंदर चिपक जाता है, वहाँ पर प्लैकिंग पैदा करता है और यही प्लैकिंग धीरे धीरे बढ़कर हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो आपके पैरों में नजर आते हैं और ये सीधा सीधा इशारा करते हैं कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला साइन है लेग पेन या क्रैम्पिंग। अगर चलते चलते अचानक से आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है या मसल्स में क्रैम्प यानी अकड़न आ जाता है तो ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो टांगों के अंदर नसें होती हैं उसके अंदर प्लैकिंग हो जाती है, वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ क्रैम्पिंग और दर्द होने लग जाता है। इस तरह के दर्द की एक खास पहचान है कि ये चलने फिरने से होती है और जैसे ही आप थोड़ा सा आराम करते हैं तो ये दर्द वापस से ठीक हो जाता है। दोस्तों, दूसरा जो साइन है वो है टांगों की स्किन का कलर चेंज हो जाना। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जाता है कि जब उनकी टांगों के अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल चिपकने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो टांगों की स्किन होती है उसका कलर या तो पीला पड़ने लगता है या फिर नीला पड़ने लगता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन न पीली पड़ती है न नीली, बल्कि जब वो बहुत देर तक पैरों को नीचे लटका के बैठते हैं तो उनकी टांगों का जो कलर है वो रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर नजर आते हैं तो ये भी एक साइन है कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगा है। तीसरा बहुत ही कॉमन साइन जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से लेग्स के अंदर देखा जा सकता है वो है लोअर लेग स्वेलिंग, यानी पैर की टांगों के निचले हिस्से में सूजन का आ जाना, एंकल में सूजन का आ जाना। ऐसा अक्सर टांगों की नसों के अंदर आर्टरीज के अंदर प्लैकिंग होने की वजह से आता है, क्योंकि जब प्लैकिंग नसों के अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उसमें रुकावट पैदा होती है। नसों के अंदर और बाकी दूसरी वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रुकने की वजह से वहाँ पर प्रेशर डेवलप होने लगता है और इस प्रेशर डेवलप होने की वजह से खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है, जो वाटरी पार्ट होता है, वो बाहर छनकर आने लगता है और टिश्यूज के अंदर जाकर जमा हो जाता है, जिससे सूजन पैदा होती है। इस तरह की सूजन वैसे और बहुत सारी कंडीशंस में भी पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट फेलियर के अंदर भी हो सकती हैं, लीवर फेलियर के अंदर भी हो सकती हैं और किडनी डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर इस तरह की सूजन आपके पैर के निचले हिस्से में नजर आती है तो इसको कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्दी से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जानना चाहिए कि इसका असली कारण क्या है। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी लेग्स का ठंडा रहना और शून्य हो जाना। ये बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला लक्षण है। ऐसा आपके ब्लड के सर्कुलेशन के कम होने की वजह से होता है, यानी नसों के अंदर प्लैकिंग होने की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है। अगर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी टांगों को गर्म रखने की पूरी कोशिश करें। आप सॉक्स पहनकर रखें या कुछ ऐसी चीज़ें पहनें या सिकाई करें अपनी टांगों की, जिससे वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ सके, क्योंकि इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर कम हो जाएगा और वहाँ पर सुन्नी रहने लगेगी या फिर वहाँ पर ठंडा ठंडा एहसास आपको रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। पैर के अंदर अल्सर हो सकता है जो ठीक ना हो। पांचवा और लास्ट लक्षण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, वो है स्लो हीलिंग बोन्स। यानी अगर आपके पैर में या टांग में कहीं कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है
और वो आसानी से भरता नहीं है या ठीक नहीं होता है, तो ये भी एक लक्षण है जो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर उन लोगों को होता है जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह है आपके लेग के अंदर जो आर्टरीज है वहाँ प्लैकिंग होने लगी है, नसों में तंगी आने लगी है, खून का फ्लो कम हो गया है, तो उसकी वजह से कम खून के फ्लो को आपकी चोट वाली जगह पहुँचने में दिक्कत होती है। ब्लड का प्रॉपर फ्लो वहाँ पर नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हील करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं पूरी मात्रा में, और इसी वजह से वहाँ पर हीलिंग में टाइम लगता है। अगर इस तरह के लक्षण आप में दिखने लगे हैं तो इस केस में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, इस तरह का कोई भी लक्षण आपके अंदर नजर आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए ओमेगा 3 कैप्सूल देते हैं। ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों तरह के होते हैं। प्लांट बेस्ड में फ्लैक्सीड ओमेगा 3 और एनिमल बेस्ड में फिश ऑयल या क्रील ऑयल ओमेगा 3 होते हैं। फिश ऑयल और क्रील ऑयल ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। आप वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 या क्रील ऑयल ओमेगा 3 ले सकते हैं। ये न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगा, बल्कि ये आपके ज्वाइंट पेन, डायबिटीज़, मोटापा, स्किन डिजीज़, बालों के लिए और भी बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करता है। इनको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसे आप कम से कम 3 से 6 महीने तक ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।